अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज जूही मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगी सीबीएसई क्लास 12th चैप्टर 2 के वो कौन से टर्म है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चा भी कंफ्यूज होता है। जैसे पहला है एपोमिक्सी। एपोमिक्सी जो है इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एस्टरेसी फैमिली का कैरेक्टर, ये ग्रासेस का कैरेक्टर है। नंबर 2 पे आता है पॉलिम्ब्रियोनी, जहां पे एक से अधिक एम्ब्रियो सिंगल सीड में प्रेजेंट होता है। सिट्रस रूटेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसमें मोर देन 2-3 एम्ब्रियो सिंगल सीड में होते हैं। देन आता है एम्फीमिक्सी। एम्फीमिक्सी का मतलब होता है टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस और सिंगैमी दोनों होती है। एंड देन एपोगैमी। एपोगैमी शब्द में जो गैमी शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। एपोगैमी में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा और वो भी एकदम एबनॉर्मल तरीके से होगा, और ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट की किसी सेल से बनेगा बिना सिंगैमी के। यानी प्लॉयडी जो होगी वो नॉर्मल से अलग हैप्लॉयड हो जाएगी। एंड इन कंट्रास्ट टू एपोस्पोरी, जहां पे गैमिटोफाइट बनेगा और वो स्पोरोफाइट की किसी डिप्लॉयड सेल से बनेगा, यहां पे मियोसिस नहीं होती। यानी एपोगैमी में स्पोरोफाइट बनता है एबनॉर्मल, जिसकी प्लॉयडी डिप्लॉयड की जगह हैप्लॉयड होती है, और एपोस्पोरी में गैमिटोफाइट बनता है जो एबनॉर्मल होगा, इसको हैप्लॉयड होना चाहिए, डिप्लॉयड हो जाता है। तो ये सारे टर्म्स कहीं आप नोट करिए, जिसको बार बार आप रिकॉल करिए, और ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स के लिए मेरे साथ सेशन में बने रहिए, और मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं मेरी फ्री लाइव क्लासेस के लिए। थैंक यू।